विकास खंड ब्रह्मपुर के प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर में छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से स्मार्ट कच्छ का उद्घाटन बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर बीएसए बीएन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्मार्ट क्लास के उद्घाटन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि छोटे छोटे यह बच्चे कल के भविष्य हैं। यदि शिक्षक ईमानदारी और पूरे जज्बे से इनको सिखाएं और पढ़ाएं तो इन्हीं में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनकर देश की सेवा करेंगे। शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मुखर बनाएं, बच्चों में यह क्षमता विकसित करें कि वह प्रश्न पूछें। यदि बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उनके अंदर सोचने व शब्द निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि यहां के बच्चे शांत नहीं, मुखर हैं, मुझसे बिना संकोच के प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आप सभी अभिभावक से अपील कर रहा हूं कि आप सब बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक बनिए। बिना आपकी जागरूकता के ये बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए स्मार्ट क्लास रोचक शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक है। सीडीओ ने प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर को स्मार्ट क्लास में सुसज्जित करने के लिए आईसीआई बैंक को भी हार्दिक धन्यवाद दिया। आईसीआई बैंक द्वारा जनपद के कुल 18 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हेतु प्रपोजल किया गया है, जिसके अंतर्गत आज प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर में पहला स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा। पेरेंट्स नहीं साथ में जुड़ेंगे, आप यहाँ आए मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। ये जिम्मेवारी पेरेंट्स को भी लेनी पड़ेगी साथ में कि वो घर में देखे बच्चे क्या कर रहे हैं, जाके अपना होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े लिखे, आपका बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर स्कूल में दिया गया कोई काम तो वो आपको करवाना है, उसने तभी सारी जिंदगी कंट्रोल करोगे। एक पाकिस्तानी टीवी में मैंने एक बार इंटरव्यू देखी थी, बहुत ही गांव से बंदा आया था, तो इसमें उससे उसका बेटा जो था वहाँ के मेडिकल जो भी उनका एग्जाम था उसमें टॉप किया था, तो उससे जो इंटरव्यू ले रहे थे उसने पूछा भाई आप तो बिल्कुल नहीं पढ़े, आपके घर में तो खेती है, ये गाय भैंस का व्यापार करते हो, लेकिन आपने बच्चों को कैसे पढ़ा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, कहता मैं डंडा लेके बैठ जाता था कि रात को पढ़ना है तो पढ़ना है, और जितना तुझे काम दिया तूने किया नहीं किया ये बता दे बस। विश्वनाथपुर हमारा एक गांव है, वहाँ पे मुसर बस्ती है बगल में, और हमने सीएसआर के थ्रू आईसीआईसी बैंक के माध्यम से वहाँ पे प्रोजेक्टर और कंप्यूटर का व्यवस्था की है, और उससे स्मार्ट क्लासेस को हमने कल स्टार्ट किया। सर इसमें वहाँ जो बच्चे हैं उनको कितना लाभ मिलता है? देखिए आज के समय में जो मल्टीमीडिया है अगर हम उसको यूज़ करते हैं, जो हमारी डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे अगर हम लोग नॉलेज को बढ़ाते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, और जो प्राइवेट स्कूल्स में किया जा रहा है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें भी ये किया गया है, तो उसी सिलसिले में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें जो माननीय विधायक है चौरी चौरा, उनका इनिशिएटिव है कि जितने भी उनके यहाँ गाँव हैं सबको कवर अप किया जाए, और पहले प्रायोरिटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है मुसर बस्ती है, वहाँ पर एक स्कूल की भी स्थापना की जा रही है, एक और स्कूल की, ताकि उन बच्चों को हम लोग बेहतर शिक्षा दे सकें।